ईव टीजिंग, लड़कियों के साथ छेड़छाड़, क्या ये नई बात है? लेकिन अब इसके बारे में बहुत सारे लोग जो हैं आगे आकर इसका जिक्र कर रहे हैं। हाल ही में एक और बड़ी सिंगर ने इस बात का खुलासा किया है कि कैसे कॉलेज के दिनों में जो है उनके साथ छेड़छाड़ होती थी, किस तरीके से लड़के सीटी बजाकर उनका साइज जो है गेस किया करते थे। इतना ही नहीं, ये सिंगर जो है काफ़ी बेबाकी से अपनी राय रखती हैं। सलमान खान हो या कोई भी बड़ा एक्टर हो, उसके बारे में भी बोलने से पीछे नहीं हटती। कैलाश खेर, अनु मलिक, इन पर भी उन्होंने मीटू के दौरान कई खुलासे किए थे। मैं बात कर रही हूँ सोना महापात्रा की। सोना ने दरअसल हाल ही में एक ट्वीट करके बताया कि कैसे कॉलेज के दिनों में, उन्होंने कहा कि मैं बीटेक इंजीनियरिंग कर रही थी तो मैं माइक्रो प्रोसेसर लैब की तरफ एक खादी का कुर्ता पहनकर जा रही थी। हरा रंग का वो कुर्ता था और सलवार पहन रखी थी। तब वहाँ पर सारे सीनियर सीटियाँ बजाते थे और ज़ोर से बोलकर मेरा साइज गेस करते थे। उन्होंने अपने कपड़ों का डिस्क्रिप्शन इसलिए किया है कि कितनी सिंपल जो है कॉस्ट्यूम पहना हुआ था, उसके बावजूद जो है कई बार इस बारे में कहा जाता है कि तुमने ऐसी चीज़ें पहन रखी है इसके लिए लड़के छेड़ते हैं। तो उसी बात की ओर उन्होंने डिस्क्राइब किया कि उन्होंने क्या पहन रखा था। सोना ने आगे कहा कि दरअसल इन सब के बाद एक शुभचिंतक मेरे पास आई, यानी कि एक फीमेल ही उनके पास आई, और उसने मुझसे कहा कि मैंने ठीक से दुपट्टा पहनकर अपने बूब्स को छुपा नहीं रखा है, क्यों नहीं ढका हुआ है। तो ये बात जो है सोना ने कही है। दरअसल सोना ने बताया कि कैसे जो है कॉलेज में भी थी तब किस तरीके से लोग जो हैं, लड़के जो हैं, उनके साथ छेड़छाड़ करते थे। सोना महापात्रा काफ़ी बेबाक है। बॉलीवुड में सेक्सुअल हैरेसमेंट पर चले मीटू मूवमेंट के दौरान भी सोना ने अनु मलिक और कैलाश खेर पर सनसनीखेज आरोप लगाए थे और अब जो है सोना ने इस बात का जिक्र किया है। हालांकि उनका ये ट्वीट जो है काफ़ी वायरल हो रहा है। हाल ही में नेहा भसीन समेत कई अभिनेत्रियों ने आगे आकर इस बात का जिक्र किया है कि कैसे जो है जब वो छोटे थे, कॉलेज में थे, तो उनको इन सारी चीज़ों से गुजरना पड़ा है। दरअसल सोना यही चाहती हैं कि ऐसी कोई भी घटना किसी भी लड़की के साथ हो तो उसे चुप नहीं रहना चाहिए, आगे आकर अपनी आवाज़ उसी समय उठानी चाहिए।